नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इंडेक्स लेवल पे आपका निफ्टी लाइफ हाई लगाता हुआ दिख रहा है एक बार फिर से, लेकिन अभी तक मेरे लेवल के ऊपर नहीं आया जहां मैं बाइंग करूंगा। इंडेक्स में मेरे को 24425 के ऊपर चाहिए, बाकी अगर लाइफ हाई की बात करें तो 24401.20 का आज लाइफ हाई लग चुका है। बट जिस हिसाब से बाजार धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बढ़िया मोमेंटम है, या तो अचानक से गिर जाएगा तो बात अलग है, लेकिन 425 पे सस्टेन करता है 15-20 मिनट तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस लेंगे। अभी तक हम 350 का ले रहे थे, बट हम वो नहीं लेंगे, 380 का लेंगे, क्योंकि इतनी स्लो मूव है ना, ये दम नहीं दिखा रही है, ये धक्का लग रहा है बड़ी मुश्किल से, ऐसा लग रहा है खींचा जा रहा है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे केवल और केवल 380 तक का। अगर पोजीशन ऊपर चली गई तो मजे ही मजे, नहीं गई तो फिर स्टॉप लॉस में काट देंगे, दैट्स इट। आगे अगर स्टॉप लॉस पे अगर कोई पोजीशन लेगा तो काटना जरूर है, वैसे तो अगर ना लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स ऐसा कुछ कोई बड़ा मूव दे नहीं रही है, क्योंकि अचानक से टूट गया तो 300 तक चला जाएगा आपका निफ्टी, में बता रहा हूं, तो वो जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आज के सेशन में ना मार्केट लाइफ हाई जरूर लगा रहा है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे गिरावट बढ़ती ही जा रही है। मैंने आपके साथ वीडियो कवर करी 11:30, जहां मैंने कवर किया था कि निफ्टी तो अच्छा ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे जा रही है। पहले सुबह 10:30 वाली वीडियो में मैंने आपके साथ कहा था 500 शेयर्स नेगेटिव है केवल, 11:30 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 900 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं, और अभी 1020 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। और कमाल पता है क्या हो रहा है, कमाल ये कि जो गिर रहे हैं ना वो सबके पास हैं। फॉर एग्जांपल आज टूट क्या रहा है, रेलवे, शिपिंग, ये टूट रहे हैं जो सबकी पोर्टफोलियो का पार्ट है। BEML देखे तो 5.5% नीचे है। आज स्टॉक ने 5251 का हाई लगाया है, जिसके सामने स्टॉक 4910 पे ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली बहुत बड़ी रैली बनी है। रेलटेल 5% नीचे है, 544 का हाई लगाया है, 508 पे ट्रेड कर रहा है। टॉप से काउंट करेंगे तो लगभग 9% की गिरावट आई है यहां पे। इरकॉन इंटरनेशनल 4.5% नीचे है, अगर आज के हाई लगेंगे, हाई देखेंगे आप तो 336 का हाई है आज, 311 का अभी लेवल ट्रेड कर रहा है स्टॉक में। तो पूरे रेलवे, RVNL की बात करें तो यहां तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, 619 से 541, यानी ऑलमोस्ट 80 रुपीज नीचे आ गया, 15% डेंट हो गया डे हाई से, तो अगर मैं काउंट करूं तो। अगर बात करें हम मजगांव डॉक की, तो 4% के करीब की गिरावट है, 5665 से आप काउंट करेंगे तो 5365 पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है आपके लिए, तो यहां भी आपके लिए हल्की गिरावट आते हुए दिख रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 4.25% नीचे है, फिर 2500 आ गया, 2670 है। देखो अब ये मैं ऐसे लेवल्स बताता रहूंगा कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टर्स को क्या आया, ये तो सबको दिखी रहा है स्क्रीन पे, क्या करें वो बताओ तो फायदा है। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये ऐसी थीम रही है जिन्होंने हर एक मोड़ पे मेरे जैसे यूट्यूबर, एनालिस्ट या कोई भी हो, गलत साबित करा है, क्योंकि हर एक भाव पे हमें लगता है बहुत बढ़ गए हैं, अब यहां से थोड़ा सावधान होना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग की राय मैंने तो नहीं दी कभी, लेकिन खरीदने की हिम्मत भी मैं नहीं जुटा पाया, हर एक मोड़ से गलत पड़े हैं एक तरीके से। अगर खरीदने की राय दे देते तो आज मजगांव डॉक 3000 पे भी बोलते तो भी भैया 5-5.5 हजार खड़ा है। RVNL, IRFC देखो आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो एक इनिशियल लेवल पे 30-30 रुपए पे डिस्कस करे थे बाइंग के लिए, 100-100 रुपए हो गए तो प्रॉफिट बुक करा दिया, अभी वहां से भी डबल हो गए हैं। तो किस लेवल पे लेना है वो तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पोजीशन में बैठे रहना है ये समझ में आ रहा है। अब किसी ने टॉप पे पोजीशन बना लिया, उसकी तो बेचारे की नींद उड़ गई। अभी मैं एग्जांपल के रूप में IRFC भी बोलूं तो 212 का आज का हाई है ऑलमोस्ट, अभी 195 के अराउंड आ गया है। अब अगर उसने ऊपर में बेचारे ने 200 रुपए के करीब, 212 के करीब पोजीशन ले ली है, तो वो तो बहुत गंदा नुकसान में बैठा है, वो यही सोच रहा है मैंने लाइफ हाई पे खरीद लिया, मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि स्टॉक में ना आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। इन स्टॉक्स में आप टेक्निकल टर्म्स पे देखोगे मिलेगा नहीं, क्योंकि 20-20% वन डे में भाग गया तो फिर वो बहुत नीचे स्टॉप लॉस आएगा। तो आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग करना है, और यहां गलत पड़ने पे ज्यादा हताश और निराश नहीं होना। फॉर एग्जांपल देखो, पूरा साइकोलॉजी का गेम है इस समय, पूरा साइकोलॉजी का, ना टेक्निकल्स काम करेंगे ना आपके फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटल में 20-20% के मूव एक एक दिन में कैसे झेलोगे आप, और टेक्निकल में 20% का स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे आप। तो हर तरफ से दिक्कत है, ऐसे ही अभी ज्यादातर अवॉइड करने की राय दे देता हूं मैं, है तो होल्ड कर लो।
अब मान के चलो किसी ने 212 पे लिया है, वो कह रहा है मैं 6% स्टॉप लॉस ले सकता हूं, तो 200 पे उसे एग्जिट कर देना चाहिए था। अब एग्जिट करने के बाद पता चले शाम को दोबारा 212 हो जाए, वो क्या करे? तो इस केस में आपको अपने आप को समझाना होगा कि मैंने एज अ डिसिप्लिन स्टॉप लॉस लगाया था, मैं निकल गया। तो आप इनमें एज अ डिसिप्लिन ही वर्क कर सकते हो ट्रेडिंग के रूप में, या फिर कभी शांत पड़े हो, सुस्त पड़े हो, जैसे आपका आरवीएनएल 412-15 पे कितने दिन तक सुस्त रहा, तब आपको लेना चाहिए था एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस नजदीक था। हम लोग क्या करते हैं जब स्टॉप लॉस पे होता है तब तो लेते हैं, जब भाग जाता है फिर सोचते हैं अब क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, अब तो बनता ही नहीं ना, 400 से स्टॉक 600 रुपए हो गया, दो दिन में क्या स्टॉप लॉस लगाओगे आप, बनेगा ही नहीं ना आपका। तो ओवरऑल देखा जाए तो चीजें बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं है इस समय डिसीजन मेकिंग के लिए। वैसे इन स्टॉक्स की बात करें तो अच्छे हैं, बजट के समय चलते हैं, बजट में बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत भागे हुए हैं तो थोड़ा सावधानी से ही काम करें, बस इतना ही कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल साइकोलॉजिकली डिटेल्स थी, बाकी कुछ भी नहीं है, चाहे मजगांव डॉक हो, गार्डन रीच हो, कोचिन शिपयार्ड हो, या आरवीएनएल हो, या आईआरएफसी हो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।